हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है। इसकी हम 6 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके लास्ट पार्ट 7th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कन्फ्यूशनिज्म। आज हम कन्फ्यूशनिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बताया गया है। व्हेन द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा एंड महात्मा बुद्ध वर बीइंग प्रोपोगेटेड इन इंडिया, जब हमारे भारत के अंदर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की बातों के बारे में ज्ञान फैलाया जा रहा था। ग्रेट सोशल रिफॉर्मर वाज बोर्न इन चाइना। उसी समय पर चाइना के अंदर एक सोशल रिफॉर्मर का जन्म हुआ, हुज नेम वॉज कन्फ्यूशियस। उनका नेम क्या था? कन्फ्यूशियस। एट दैट टाइम ड्यू टू द वीकेंड पावर ऑफ द जऊ डायनेसिटी इन चाइना, उस समय चाइना के अंदर चीन में जऊ राजवंश की शक्ति को कम करने के कारण मैनी स्टेट्स वर एमर्जिंग देयर, वहाँ पर बहुत सारे राज्यों का क्या हुआ, एमर्ज हो गए थे। एंड दे कैप्ट फाइटिंग अमंग द देम्स, वापस में आपस में ही लड़ते रहते थे। एट दिस टाइम, इस समय पीपल ऑफ चाइना वर लिविंग अ वेरी पेनफुल लाइफ। इस समय जो चाइना के लोग तो बहुत ही दर्द भरा जीवन जी रहे थे। एट सच अ टाइम, और इस समय के ऊपर कन्फ्यूशियस वॉज बोर्न टू टीच द लेसन ऑफ मोरलिटी टू द पीपल ऑफ चाइना, और इसी समय कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ, जिन्होंने चाइना के लोगों को क्या है, मानवता की बातें सिखाई। अब देखिए लाइफ ऑफ कन्फ्यूशियस के बारे में देखिए। कन्फ्यूशियस वॉज बोर्न इन द शानडोंग रीजन ऑफ चाइना इन अबाउट 550 BC के अंदर इनका जन्म चाइना के शानडोंग नामक एरिए में हुआ। हिज फादर डाइड इन हिज चाइल्डहुड, इनके जो पिता थे बचपन में ही इनका देहांत हो गया था। एट द एज ऑफ 17 की एज में ही डिड अ गवर्नमेंट जॉब, इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई। एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद लेफ्ट द जॉब, इन्होंने जॉब छोड़ दी। एंड अगेन एंगेज इन टीचिंग, और ये फिर से किस में आ गए थे, शिक्षण टीचिंग के कार्य में लग गए थे। ही स्टार्टेड टीचिंग हिस्ट्री, पोइट्री एंड एथिक्स इन टू द स्टूडेंट्स बाय ओपनिंग अ स्कूल एट होम। इन्होंने अपने घर के अंदर ही एक स्कूल ओपन करके बच्चों को हिस्ट्री, पोइट्री, एथिक्स के बारे में शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। एट द एज ऑफ 53 की एज में ही वाज अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ अ सिटी, इन्हें एज में शहर के गवर्नर के रूप में इन्हें चूज किया गया। एंड लेटर मिनिस्टर, बाद में इन्हें मिनिस्टर मंत्री बनाया गया। ऑन बिकमिंग अ मिनिस्टर बनने के बाद ही एम्फेसिस्ड इम्प्रूविंग द कैरेक्टर ऑफ मैन इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, इन्होंने क्या कहा कि पनिशमेंट के बदले हमें क्या है, लोगों के कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है। ही यूज टू इंस्पायर हिज डिसिपल्स टू बी हम्बल, इन्होंने क्या कहा कि हमें अपने, इन्होंने अपने शिष्यों को टू बी हम्बल, बेनिवोलेंट एंड वर्चुअस, इन्होंने अपने शिष्यों क्या कहा कि हमें एक दूसरे के लिए विनयी रहना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और चरित्रवान बनना चाहिए। ही गेव पीपल द मैसेज ऑफ ट्रूथ, लव, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली, और यह लोगों को सत्य, प्रेम और सभी से प्यार करने का संदेश देते थे। टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस, इनकी जो टीचिंग्स थी उसके बारे में देखिए। कन्फ्यूशियस ने किन किन चीज़ों के ऊपर वर्क किया था। कन्फ्यूशियस वॉज आ सोशल रिफॉर्मर, जो कन्फ्यूशियस थे वो क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ही डिडंट प्रेच एनीथिंग अबाउट गॉड, इन्होंने भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया। ड्यू टू हिज सोशल रिफॉर्मिंग टीचिंग्स देयर वॉज स्टेबिलिटी इन चाइनीज सोसाइटी, और इनकी समाज सुधारक उद्देश्यों के कारण ही क्या, चाइना के सोसाइटी के अंदर क्या आई, स्टेबिलिटी आई। हिज फिलोसफी रिमेन्स द गाइड फॉर चाइनीज सोसाइटी इवन टूडे, उस उनका जो, उनकी जो फिलोसफी थी वो आज भी चाइना के अंदर क्या है, वो उसको लोग फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशनिज्म, अथॉरिटी ऑफ द रूलर इज़ टू गिव ऑर्डर्स एंड द ड्यूटी ऑफ द रूल टू इज टू ओबे दैम, कि ये क्या मानते हैं कि जो राज शासक होते हैं उसका क्या, उनका क्या वर्क होता है, टू गिव ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, और जो प्रजा होती है, जो लोग होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। सिमिलरली द अथॉरिटी ऑफ द फादर, हस्बैंड एंड एल्डर ब्रदर इज टू गिव ऑर्डर एंड द ड्यूटी ऑफ द सन, वाइफ एंड यंगर ब्रदर इज टू ओबे ऑर्डर, जिस प्रकार से एक फादर का, बड़े भाई का और हस्बैंड का वर्क होता है ऑर्डर देना, और उसकी वाइफ का, बेटे का
कर्तव्य होता है उनकी बातों का पालन करना। बट एट द सेम टाइम इट इज़ नेसेसरी दैट द रूल ऑफ द अथॉरिटीज बी बेस्ड ऑन अपराइटनेस पॉलिसी एंड जस्टिस। लेकिन इसी समय के ऊपर ये आवश्यक नहीं है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके द्वारा ऑर्डर दिया गया है वह सही तरीका सही ऑर्डर हो। ही वाज ऑफ द व्यू दैट मैन कुड गेट द रूल्स फॉर हिज ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम विद इन। कि वो क्या मानते हैं कि मानव को उनके सभी जो वर्क्स हैं उसके लिए जो नियम हैं जो रूल्स बनाए गए वो अपने खुद के अंदर से ही उन्हें गेन कर सकता है प्राप्त कर सकता है। Thus we see that different philosophies developed in different regions of the world. इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो philosophies हैं उनका इस संसार के अंदर अलग अलग एरिए में जन्म हुआ। All inspired mankind to avoid evil deeds। इस सभी philosophy क्या हैं मानव को बुराइयों को त्याग करने के लिए प्रेरित करती हैं। Go on the path of truth और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। These philosophies try to bind society in the thread of unity। ये सारी philosophies इस संसार को एकता के धागे में बांधने की कोशिश करती हैं। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मेक ह्यूमन लाइफ स्पिरिचुअल एंड सुपीरियर। और इनका जो एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या है इस संसार के अंदर सभी लोगों को सुपीरियर मानना। ऑल द फिलोसफीज स्ट्रेस द नीड फॉर वर्च्यूज टू बिल्ड मैंस कैरेक्टर। जितने भी फिलोसफीज हैं इसके अंदर लोगों के कैरेक्टर को बनाने के ऊपर वर्क किया गया है। ह्यूमन सर्विस बेनिवोलेंस नॉन वोलेंस लव आर फाउंड इन ऑल फिलोसफी। सभी के अंदर मानव सेवा को प्यार को त्याग को का बलिदान किया गया है। वी शुड हैव सम रेस्पेक्ट फॉर ऑल द फिलोसफीज। हमें सभी फिलोसफीज का मान रखना चाहिए सभी का सम्मान रखना चाहिए। हमें किसी को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट वाला तो छोटा सा था बेटा जो कन्फ्यूशियस था इसकी छोटी सी थ्योरी थी जिसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था और इसके बारे में इन्होंने संसार को चाइना को सभी लोगों को अपने विचारों से के बारे में बताया था। तो बेटा आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दोगे। ओके थैंक यू बेटा हैव अ नाइस डे बाय बाय।